खाद्य आम स्वास्थ्य पाई अत्यंत जरूरी होइथाए। किंतु केबे आपण मानक मनरे प्रश्न उठिछि कि आमे केउ प्रकार खाद्य खाइबा आम स्वास्थ्य पाई ठीक होइथाए, तेबे आमे रोसे घरे विभिन्न प्रकार मसला रखि थाउ। ता मध्यरु गरम मसला भिन्न मसला होइथाए। किंतु गरम मसला खाइबा स्वास्थ्य पाई लाभदायक कि सेथि पाई आमे आज आपनको एही विषय रे किछि विशेष कथा जणाइबु। जेपरी शीत दिन आम किपरि गरम मसला व्यवहार करिपरिबा। शीत दिने गरम मसला खाइबार अनेक लाभ मिलिथाए। गरम मसला को अनेक प्रकार औषध तैयारी करिबार व्यवहार करा जाए। एहा स्वास्थ्य पाई बहुत लाभदायक होइथाए। गरम मसला शरीर विभिन्न अंग रे भिन्न प्रकार काम करिथाए। एथिरे उभय एंटीबैक्टीरियल एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी उपादान रहिथाए, जहाँ शरीर यंत्रणा को कम करिथाए। तेबे शीत दिन आपण अनेक उपाय रे गरम मसला खाइपरिबे। एहार लाभ जानिबा पूर्वरु आमे आज आपणको एही विषय रे किछि विशेष कथा जणाइबु जे एही गरम मसला किपरि तयार करा जाए। तेबे विभिन्न प्रकार मिश्रण रे गरम मसला तयार करा जाए, जेपरी गोटा धनिया जीरा गुजराती अळैच बादाम लवंग पानमधुरी बिरयानी फुल जाई फुल जायत्री फुल एवं तेजपत्र एही सब जिनिस मिसाई गरम मसला तयार करा जाए। तेबे गरम मसलार उपकारिता विषय रे निश्चय भाबे जानिबा। इम्युनिटी बस्टर गरम मसला एक प्रकार इम्युनिटी वृद्धिकारी मसला। यह अनेक रोग रक्षा करिबारे काम करे। एहाकु खाइबा द्वारा थंडा काश एवं अन्य समस्या मुक्ति मिलिथाए। काश समस्या मुक्ति पाइबा पई अत्यंत प्रभावशाली होइथाए। यंत्रणा उपशमकारी भावे काम करे एवं फुला को मध्य कम करे। गरम मसला शरीर रे यंत्रणा एवं फुला कमाइबा पई गरम मसला भलो होइथाए। एथिरे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रहिथाए, जहां अनेक प्रकार समस्या मुक्ति देइथाए। यह हाड़ को सुस्थ करिथाए एवं गंठी यंत्रणा को भल करिथाए। एथिसहित एहा स्वास्थ्य पई अत्यंत लाभदायक मध्य होइथाए। हजम प्रक्रिया प्रति लाभदायक होइथाए। गरम मसला हजम प्रक्रिया प्रति अत्यंत लाभदायक होइथाए। एही मसला पेट को सुस्थ रखिबारे साहाज्य करिथाए। ता सहित मेटाबॉलिक कार्य को मध्य भल करिथाए। शीत दिने गरम मसला खाइबा शरीर को गरम करिथाए। एहा द्वारा आपण बहुत सुस्थ मध्य रही थांती। सेथिपाई आपण माने निज खाद्य रे प्रतिदिन गरम मसला सामिल करिबा उचित। तेबे दर्शक बंधु, एही भली स्वास्थ्य संबंधी खबर विषय रे जानिबा लागि आम चैनल के न्यूज ओडिसा सहित जोडी होइ रहंतु।